जीएसटी जीएसटी और जीएसटी, हर जगह अब जीएसटी अपने पांव पसार रहा है। पहले जिस जगह जीएसटी नहीं लगता था, अब उस जगह भी जीएसटी के कदम पड़ चुके हैं। आप हवाई और रेल यात्रा का टिकट बुक करते हैं और अगर प्रोग्राम बदल जाता है तो उसी टिकट को फिर कैंसिल करवाते हैं, लेकिन अब यह कैंसिलेशन महंगा पड़ेगा। अब तक जितना कैंसिलेशन चार्ज दिया जाता था उससे अब कहीं ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जीएसटी के कदम यहाँ भी पड़ चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक टिकट बुक करने के दौरान जो जीएसटी का दर आप देंगे उसी दर से कैंसिलेशन के टाइम आपका पैसा काट लिया जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि पहले जो चार्ज कैंसिलेशन पर काटा जाता था उसमें अब जीएसटी का चार्ज और जुड़ जाएगा, यानी अब टिकट कैंसिलेशन करना महंगा सौदा होगा। इस फैसले के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। पहले बुरे पहलू की बात करते हैं, उसके बाद अच्छे पहलू के साथ वीडियो का अंत करेंगे। बुरे पहलू में सबसे पहले तो आपकी जेब कटेगी, लोगों को ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। छोटी यात्रा वाली टिकटों पर अभी आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचता था और अब तो जीएसटी के बाद क्या बचेगा पता नहीं। अच्छे पहलू की बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन का मतलब है सरकारी खजाने का बढ़ना। सरकार का खजाना बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। दूसरा फायदा है उन लोगों से जुड़ा हुआ जो वेटिंग लिस्ट से परेशान रहते हैं। जब ज़्यादा पैसा कटेगा तो लोग फालतू में टिकट लेके रखने से बचेंगे और जेन्युइन लोगों तक टिकट की उपलब्धता बढ़ेगी। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।